145 दिन बाद संघ की वर्दी में आग, ये तस्वीर आज ट्वीट की गई, जिसको लेकर दिन भर सियासी पारा चढ़ा रहा। ये तस्वीर आज कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा गया है 145 दिन बाद क्यों जलती हुई दिखाई गई आरएसएस की ड्रेस, क्या होने वाला 145 दिन बाद। मतलब हम लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या होगा 145 दिन बाद, क्यों कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, ये जो बीजेपी कह रही है ये दरअसल हिंसा के लिए उकसाने वाली तस्वीर है, और ये हिंसा और आगजनी के लिए संघ के कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए उकसाने वाली जो तस्वीर है, जो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है, ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई है। ये नफरत से लड़ने के लिए कैसी आगजनी, मतलब यही सवाल आज उठाया जा रहा है। ये बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि जलती हुई ड्रेस ट्वीट करने के पीछे कांग्रेस का क्या मैसेज है। देखिए ये ऑफिशियल ट्वीट जो किया गया, एक बार फुल स्क्रीन पर एक बार ये दिखा दीजिए, ये पढ़ लीजिए इसको, कि देश को नफरत की वीडियो बेड़ियों से मुक्त करने बीजेपी आरएसएस ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करने के लिए हम अपने लक्ष्य तक, लक्ष्य क्या है अब पता नहीं इसमें, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 145 दिन अभी और चलना है, 145 डेज मोर टू गो। अब 145 दिन बाद ये धुआं, आग, संघ की ये हाफ पैंट जो उनकी वर्दी जो ड्रेस है, क्या मैसेज है क्या नहीं है ये समझ से परे है। बीजेपी कह रही है कि ये दरअसल ये उकसाने की कोशिश है, ये भड़काने की कोशिश है, जलती हुई ड्रेस ट्वीट करने के पीछे क्या कांग्रेस का मैसेज है, मकसद क्या है, क्यों कांग्रेस और उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बार बार या तो देश में आग लगाने की बात करते हैं, लगने की, या फिर आग लगने वाली ये तस्वीर दिखाई जाती है, यही बार बार सवाल उठाया जा रहा है। देखिए आज कांग्रेस पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप इसलिए लगे क्योंकि आज कांग्रेस के आधिकारिक, समझिएगा, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है कांग्रेस का ब्लू टिक, वहां से ये विवादित ट्वीट किया। इस ट्वीट में संघ की ड्रेस खाकी निक्कर हाफ पैंट्स में आग लगी हुई, ये देखिए इसको फुल स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए, ये देखिए आप। और इस तस्वीर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा, फुल स्क्रीन पर तस्वीर, बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या राहुल गांधी को आरएसएस के खिलाफ हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा या आग लगाओ यात्रा। एक बार सुन लेते हैं बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया इस चीज को लेकर, इसको लेकर आगजनी वाली जो सांकेतिक चीज है इसको लेकर, सुन लीजिए एक बार। ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी वायलेंस इन इंडियाज पॉलिटिक्स। द कांग्रेस पार्टी शुड इमीडिएटली टेक डाउन दिस पिक्चर। देखिए सवाल यह भी उठाया गया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बार बार आग लगने और लगाने की बात क्यों करते हैं। याद कीजिए कुछ वक्त पहले जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे तब उन्होंने कहा था कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, एक चिंगारी से आग लग सकती है। कृषि आंदोलन के वक्त राहुल गांधी ने कहा कि किसान कृषि कानून समझ गए तो देश में आग लग जाएगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने कहा अभी लड़ाई शुरू हुई है, देश में आग लगेगी। और अब कांग्रेस ने आरएसएस की जलती हुई ड्रेस ट्वीट की है, आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। ये क्या आग है क्या नहीं है। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी और साथ ही संगीत रागी भी मेरे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहले मैं आप ही से, संबित आप ही से शुरू कर रहा हूं, आपको क्यों लग रहा है ये उकसाने वाली है, ये आगजनी और ये हिंसा के लिए उकसाने वाली तस्वीर है, क्यों लग रहा है आपको संबित? देखिए अमन जी, मैं अभी कुछ नाम पढ़ने वाला हूं। ये वो नाम है जो संघ के कार्यकर्ता रहे और जब वो गणवेश में थे, अर्थात कि निक्कर पहने हुए थे, उनको घसीट करके केरल के अंदर मौत के घाट उतारा गया, बड़े हिंसक तरीके से उतारा गया। और आप जानते हैं अभी जो ये यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, ये केरल के अंदर चल रही है और आने वाले कई दिनों तक केरल के अंदर ही चलने वाली होगी। और जब केरल के अंदर राहुल गांधी हैं तो उस समय निक्कर में आग जलाने की तस्वीर ट्वीट की गई है। ये जो कार्यकर्ता हैं जो विगत कुछ वर्षों के अंदर मारे गए हैं निक्कर में, मैं उनका नाम देता हूं, प्रमोद 20 मई 2016, रामचंद्रन 11 जुलाई 2016, निर्मल 12 फरवरी 2017, विष्णु 7 अक्टूबर 2016, रमीत 12 अक्टूबर 2016, बिनेश 4 सितंबर 2016, सुजीत 13 फरवरी 2016, राजेश 29 जुलाई 2017, बीजू 12 मई 2017, संतोष 18 जनवरी 2017, रविंद्रनाथ 18 फरवरी 2017, बिपिन 14 अगस्त 2017, राधाकृष्णन 6 जनवरी 2017, संजीत
अमित 15 नवंबर 2021, श्रीनिवासन 16 अप्रैल 2022 और जिम्नेश कुमार 25 जुलाई 2022। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं और ये तस्वीर संजीत का है जो 15 नवंबर 2021 को मारा गया। मरने से पहले जब उनको मौत की घाट उतारा गया उससे पहले का ये तस्वीर है। आप उसी निक्कर की तस्वीर को देख सकते हैं, गणवेश को देख सकते हैं और एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, केरला मोहम्मद हारून द मास्टरमाइंड बिहाइंड आरएसएस वर्कर संजीत्स मर्डर अरेस्टेड ऑल अक्यूज्ड एसोसिएटेड विद पीएफआई एंड एसडीपीआई। ये आर्टिकल की प्रति भी मैं लेके आया हूं। ये जो व्यक्ति मारा गया है इसको टुकड़ों में काटा गया, इनकी पत्नी मौजूद थी, ये एक कार्यक्रम से आ रहे थे, ये निक्कर पहने हुए थे और आप सबने तस्वीर दिखाया था कि सड़क पे किस प्रकार से एक छोटा सा जो खून की नदी जैसी होती है वो बना था क्योंकि इनको टुकड़े टुकड़े काटे गए थे। यहां मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं उन 16 कार्यकर्ताओं का क्योंकि ये एक श्रद्धांजलि भी है मेरे उन भाइयों को, उन बहनों को भी, क्योंकि महिलाओं को भी मारा गया है जो गणवेश धारण करते हुए शहीद हो गए इस देश के लिए, जिनको केरल के अंदर मारा गया। और केवल केरल में नहीं, आप बंगाल में देख सकते हैं किस प्रकार से। मैं नाम भी पढ़ना चाहूंगा, अनिल बर्मन, राजा सुमंतो, धीरेन बर्मन, प्रसन्नजीत दास, निर्मल मंडल, घनश्याम राणा, अरिंदम मिंद्या, धर्मा मंडल, मनोज जायसवाल, अरूप रुईदास, ऐसे ऐसे सैकड़ों नाम हैं। और आपको याद होगा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, इस बार चुनाव जब बंगाल में हुए थे तो कांग्रेस पार्टी जब इस प्रकार निक्कर में और इनका और कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट की गई उसमें क्या लिंक है, आपको क्यों लग रहा है कि और संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए उकसाने वाला कोई मैसेज दिया गया इस तस्वीर के जरिए? बस 30 सेकंड और, क्यों लग रहा है आपको ये? देखिए केरल के अंदर ये यात्रा चल रही है, केरल के अंदर निक्कर में आग लगाना, आग लगाने का मतलब फूल बरसाना तो नहीं होता है, आग लगाने का मतलब सीधा सीधा होता है एलिमिनेट। वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस आइडियोलॉजी और वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस पीपल। वहां पर आप अगर इस प्रकार का संदेश भेजते हैं कि हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप बताइए जिन लोगों ने पीएफआई के ड्रेस में तो आग नहीं लगाई, एसडीपीआई के ड्रेस में तो आग नहीं लगाई, आपने संघ के ड्रेस में आग लगा करके जहां संघ के लोगों को मारा जा रहा है वहां पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सीधा सीधा ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। राधिका खेड़ा, क्या ये इंटेंशनल है या ये संयोग है कि केरल में ही यात्रा और केरल में ही संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, और जब केरल में यात्रा उसी दौरान कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से संघ की वर्दी में आगजनी वाली ये तस्वीर, क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है इतना बड़ा? राधिका जी, अमन जी, इस देश में जब भी प्रोटेस्ट होता है तो एफिजीज भी जलाई जाती हैं, वो हमने देखा है 14 अगस्त 2017 को इन्हीं के आरएसएस का जो मुस्लिम विंग है उन्होंने किसकी पुतला जलाया था? उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का पुतला जलाया था। 16 फरवरी 2008 भाजपा के हर कार्यालय के बाहर और भाजपा के हर स्टेट यूनिट में, हर जहां जहां उनकी सरकारें थी वहां पर भी सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पुतला जलाया गया। ऐसे कई लिस्ट है, ये तो मैंने सिर्फ दो एग्जांपल दिए हैं। जैसे लिस्ट ये खोल के बैठे थे, मैं भी बहुत लंबी लिस्ट खोल के बैठ के और बता सकती हूँ, पूरा शो खत्म हो जाएगा, पर भाजपा की लिस्ट खत्म नहीं होगी। उन्होंने कितने कांग्रेस के नेताओं के, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के, आरएसएस ने कितने पुतले जलाए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि ये लोग सत्ता में बहुत कम रहे हैं इसलिए इनके पुतले जलाने की लिस्ट बहुत लंबी है। अब ये तो एक प्रोटेस्ट का तरीका है ना, हम तो बार बार कभी नहीं कहते कि हम, कौन कहता है बार बार कांग्रेस मुक्त भारत। और सबसे जरूरी बात, ये सोच को तो मिटाना ही है अमन जी, क्योंकि ये वो सोच है जो हमारे देश की आजादी के खिलाफ है, ये वो सोच है जो हमारे देश के तिरंगे को अशुभ मानती है, ये वो सोच है जो हम लोग, हम हिंदू लोग जो गौ माता की पूजा करते हैं, इनके सावरकर क्या कहते हैं कि गौ माता की पूजा मत करो, वो तो सिर्फ एक कमर्शियल एनिमल है, गौ माता को मत पूजो, इंसान की पूजा करो, गौ माता कुछ नहीं है। क्या लाइन बोलते थे वो, गौ पालन हरे, गौ पालन नवे, गौ पूजन नवे, इनको अच्छे से पता होगी यहाँ पे उसका क्या मतलब सारी चीजें ठीक है। जो लोग बार बार कहते हैं, एक सवाल आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने संबित से भी दो सवाल लिए, आपको नहीं लगता कि उस विचारधारा को जला के नष्ट कर देना चाहिए? राधिका जी, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, आपने कहा आपकी इंटेंशन ये नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ, संबित को लग रहा है कि इंटेंशन यही है, आप कह रही है हमारी इंटेंशन वो नहीं है कि संघ के कार्यकर्ताओं पर उनको जलाया जाए, आपकी इंटेंशन ये नहीं है। बट मेरा सवाल है आपसे, अभी 3 से 4 महीने पहले एस के श्रीनिवास, उनको तलवारों से 20 बार गोद कर सड़क पर पलक्कड़ में उनको मार दिया गया। मेरा सवाल है आपसे राधिका जी, आप जो मैसेज देना चाह रही है आपकी हो सकता इंटेंट ना हो, कल को
केरल में एक और संघ के कार्यकर्ता की अगर हत्या हो जाए, भगवान ना करे हो, अगर हो तो फिर क्या आप जिम्मेदारी लेंगे कि हम ये नहीं कहना चाह रहे थे, हम वो कहना चाह रहे थे, हम एफईजी की बात कर रहे थे? आप समझ रही हैं कितना सेंसिटिव टाइम है, इसको समझिए। एक मिनट रुकिए, आप जानती हैं, एक मिनट, आप एक मिनट, आप जानती हैं, एक मिनट, उदयपुर हुआ, उसके बाद उमेश कोले हुआ, कन्हैया हुआ, बहुत सेंसिटिव टाइम है राधिका जी। अमन जी, कल को केरल में कुछ हो गया, संघ के कार्यकर्ता की हत्या हुई, तो आप कैसे समझाएंगी कि हम ये नहीं कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे? पहली बात, मैं उम्मीद करूंगी मुझे मेरी पूरी बात रखने देंगे, जिस तरीके से आपने संबित जी को बिल्कुल नहीं, मैंने उनसे भी दो पूछा था। बहरहाल बोलिए। अब सबसे पहली बात, इस विचारधारा ने किसकी हत्या करी? इस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या करी। नथुराम गोडसे की जय जय कार रखती है, और जिनकी विचारधारा की आई हुई एक सांसद जो बीजेपी से चुनाव लड़ती है, उनको सिर्फ प्रधानमंत्री जी माफ नहीं करते, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नाम पे ये कई योजनाएं चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बापू का प्रदेश गुजरात, बापू का देश भारत, और बातें करूंगा आपसे। मुझे बताइए, कुछ हो गया किसी आरएसएस कार्यकर्ता ने करी, कल को कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगी? आती है पहली बात, अब बात आती है हत्या की। हत्या तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, हत्या गांधी जी की भी नहीं होनी चाहिए थी, हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए, हत्या बिल्किस बानो की छोटी सी 3 साल की बेटी की भी नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने ये लिस्ट गिनाई ना, उम्मीद कर रही थी मैं, जो हमारे 100 से ऊपर 200 300 किसान मरे थे ना किसान आंदोलन में एक साल पहले, उनकी भी लिस्ट सवाल नहीं समझ रही है आप। एक बार अगर ठंडे दिमाग से मेरा सवाल समझिए, हो सकता है आपकी इंटेंशन वो ना हो, समझ रही हूं अमन जी, कल को किसी आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हो गई तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगी कि हम वो नहीं कहना चाह रहे थे लेकिन किसी ने गलत समझ लिया? आप समझिए राधिका जी, मैंने आपको एग्जांपल क्यों गिनवाए, मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों गिनवाए? जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी जी की हत्या करी, जिस विचारधारा के चलते कई किसान मर गए, जिस विचारधारा के चलते लाखों लोग हमारे कोरोना में मर गए, जिस विचारधारा के चलते बिल्किस बानो की बेटी की मौत हो गई, किसी ने उकसाया तो नहीं था ना ऐसे हाफ पैंट जलाकर? वो विचारधारा कितनी खतरनाक है, क्या कांग्रेस विचारधारा ने कभी किसी का कत्ल किया है? वो बेसिकली एफईजी जलाना, जिस तरह से पुतला जलाना होता है, कांग्रेस की बात, कांग्रेस कभी भी किसी को मारने मरने की कोई बात नहीं करती। हम एक नॉन वायलेंस प्रोपेगेट करने वाली पार्टी है, हम गांधी जी के पार्टी है, हम नेहरू जी की पार्टी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पार्टी है, हम सावरकर की पार्टी नहीं है, हम उसकी पार्टी नहीं है जो कहते हैं नथुराम गोडसे जिंदाबाद। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम भी है, लेकिन पहले एक बार मैं संबित का, क्योंकि जवाब लेना जरूरी है। संबित, वो ये कह रही है कि पुतला जलाया जाता है ना भाई, एफईजी बर्न, जिस तरह से सांकेतिक रूप से ये वो है। देखिए, मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाए, उन लोगों के तस्वीर दिखाए जो इस गणवेश में, जिनकी हत्या हुई है, उनकी पत्नियों के विषय में भी बताया। मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे आश्चर्य होता है, अभी यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हम हिंदू लोग हैं, गाय के विषय में हमारी इतनी अच्छी धारणाएं हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को पूजा करने वाले हिंदू आचार्यों के साथ गोली मार करके कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार का बर्ताव किया था ये आप भी जानते हैं। और इसी केरल में, जिस केरल में अभी ये यात्रा चल रही है, इस केरल में राहुल गांधी ने गाय का बछड़ा चौराहे पे अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष से कटवाया था, आपको याद है ना, वो तस्वीर याद है ना, बछड़े को बीच चौराहे पे अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष से राहुल गांधी जी ने कटवाया था, और अब बोल रहे हैं हम गौ माता की पूजा करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, मुझे तकलीफ होती है इस बात का, इसमें देखिए एक बात मैं बता दूं, ये जो मैं हत्या की बात कर रहा हूं, लोगों की हत्याएं हुई, इसमें आपने भी जब सवाल पूछा कांग्रेस की प्रवक्ता से, वो बहुत मुस्कुरा रही है। उन पत्नियों की, उन माओं की और उन बूढ़े पिताओं का सोचे जिनके सामने उनके बच्चों को कत्लेआम किया गया है, नृशंस ढंग से काट काट के किया गया है, ये कोई मुस्कुराने का विषय नहीं है अमन भाई, बहुत संजीदगी से और बहुत संवेदनशीलता के साथ इस विषय को डील करना है। नंबर दो, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि नाक रगड़कर माफी मांगने के बाद गांधी की हत्यारा हमें बताते हैं। इसी विषय में राहुल गांधी ने कोर्ट में क्या कहा है, मैं तो इनको नहीं कह रहा था, इसी पूरे विषय में डिफामेशन केस हुआ ना, इस पूरे विषय में डिफामेशन केस पे जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम ही नहीं कह रहे थे, तो यहां आके उनके प्रवक्ता, देखिए उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये कांग्रेस पार्टी ये इतनी नफरत करती है संघ से कि 26/11 आरएसएस की साजिश,
जिस 26/11 के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था, उस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए 26/11 आरएसएस की साजिश, उसके पीछे किसका हाथ था? भारत जोड़ो ये जो यात्रा चल रही है उसके संयोजक का, दिग्विजय सिंह संयोजक है इस यात्रा के, और उन्होंने कहा था कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया है, ये संघ ने किया है। आप सोच के देखिए संघ के प्रति, हिंदुओं के प्रति, और हिंदुओं के लिए ये इतना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। नवरात्र आ रहा है, 4 दिन पहले राहुल गांधी ने भगवती के लिए किस प्रकार के शब्दों को सुना? मैं अमन भाई आपसे पूछता हूं, आचार्य जी बैठे हैं, मैं आचार्य जी से पूछता हूं, यहां हम सब, मैं तो यहां राधिका जी से भी पूछता हूं, अगर मेरे सामने कोई आके कहेगा कि ये जो शक्ति है ये ऐसी वैसी भगवत, वो तो भगवान नहीं है, क्या मैं सुन लूंगा? क्या आचार्य जी सुन लेंगे? मैं आचार्य जी से पूछता हूँ, आचार्य तो आचार्य है, उसके बाद संगीत वो धर्मज्ञ है, आचार्य जी का कमेंट ले, आचार्य जी से पूछिए वो सुन लेंगे क्या? एक मिनट, मैं आचार्य जी के पास, राहुल गांधी सुन लेते हैं, राधिका मां के विरुद्ध, भगवती के विरुद्ध कमेंट सुन लेते हैं। पहले आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जितिन प्रसाद ने जो कहा कि राजनीतिक मतभेद ठीक है वो होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को जलाने वाली मानसिकता, क्या ये सही है? बस मैं आपका रिएक्शन जान, आपको इसमें कुछ भी गलत लगा? ये जो आरएसएस की वर्दी जलती हुई 145 दिन बाद, ये सही है या नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए अमन चोपड़ा जी, भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही पवित्र और पावन मिशन को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। भारतीय सामाजिक ताना बाना जो टूट रहा है, थोड़ा बिगड़ रहा है, उसको ठीक करने के लिए की जा रही है, भारत को आगे ले जाने के लिए की जा रही है, एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए की जा रही है। कोई भी यात्रा, कोई भी पद यात्रा जब इतने पावन मन से की जाती है, पवित्र मन से की जाती है, तो उसके उसको अप्रिसिएट किया जाना चाहिए, उसकी सराहना की जानी चाहिए। अब सवाल आता है, जो आपका सवाल है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया है, तो उस ट्वीट में जो दर्शाया गया है और उस ट्वीट को लेकर के जो ये आज आप सवाल कर रहे हैं, और समित पात्रा जी इस ट्वीट को आगजनी से जोड़ना चाहते हैं, इस ट्वीट को हत्याओं से जोड़ना चाहते हैं, इस ट्वीट को और इस फोटो को हिंसा से जोड़ना चाहते हैं, मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता हूं। ये विरोधियों को बदनाम करने की एक साजिश है, और जिस तरह से राहुल गांधी की शर्ट पर कमेंट किया गया वो भी गलत है, और जिस तरह से ये अगर ये आरएसएस का नेकर इसको सिंबॉलिक सांकेतिक रूप से दर्शाया गया है, इसमें आग लगाने की बात की गई है, या ये इसमें इसका जो उनका मंतव्य है, उनका जो मोटिव है वो ये है कि 145 दिन के बाद में आरएसएस के नेकर में आग लग जाएगी, चिंगारी लग जाएगी, धुआं उठ जाएगा, ऐसा मुझको लग रहा है जिस तरह की बातें मुझे सुनने को आज सुबह से मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति ठीक नहीं है, ये विमर्श ठीक नहीं है, ये डिस्कोर्स ठीक नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में एक दूसरे का विरोध करने की सबको अनुमति है, लेकिन किसी की व्यक्तिगत पोशाक पे, व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। जब राहुल में संघ के कार्यकर्ताओं की बैक टू बैक हत्या हो रही है, और उसी केरल में भारत जोड़ो यात्रा, और उसी दौरान आपको कोई एक कोइंसिडेंस नहीं लगता? उत्तर प्रदेश, नहीं, देखिए केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी कोने में हत्या हो, हिंसा हो, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रही थी, और आप सब भी इस बात को मानते हैं कि उसकी उस हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक जो गिरावट आई है, डिस्कोर्स में जो गिरावट आई है, जो संवाद में गिरावट आई है, वो दोनों तरफ से आई है। राहुल गांधी जी बड़े गिरावट मानते हैं? पहले तो इसको गिरावट मानते हैं शर्ट पर, इसको आप गिरावट मानते हैं? ये जो आरएसएस की वर्दी जलती हुई और धुआं, इसको गिरावट मानते हैं आप? देखिए यात्रा एक बहुत बड़े मिशन को लेके हो रही है, एक तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए ना, इसको आप गिरावट मानते हैं नहीं मानते हैं? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जी जी आचार्य जी, मैं कभी भी जवाब देने से बचता नहीं हूं, ना मैं आपके सवाल से बचूंगा, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। यात्रा बहुत ही पावन मिशन को लेकर हो रही है, बड़े व्यापक पैमाने पर हो रही है। जहाँ तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, और उनके उस यात्रा में इस ट्वीट का सवाल है, वो ये जो ट्वीट है ये कांग्रेस पार्टी का मीडिया डिपार्टमेंट करता है, और मीडिया डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसका जवाब देंगे। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं इस तरह की राजनीति का कभी समर्थन नहीं करता हूँ, और मेरे दृष्टिकोण में मैं संबित पात्रा जी से भी आग्रह, संबित पात्रा जी मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा प्लीज। हाँ, आपने कहा कि मैं ऐसी चीजों के साथ नहीं, प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूं,
जी हाँ, मैं बिल्कुल हिंसा के समर्थन नहीं करता, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, बदतमीजी का समर्थन नहीं करता, मैं इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं संबित पात्रा जी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनसे अपेक्षा करूंगा कि ये भी ये बात कहें कि राहुल गांधी जी की शर्ट पे टिप्पणी, राहुल गांधी जी के पैंट पे टिप्पणी, राहुल गांधी जी अमरनाथ जाते हैं, राहुल गांधी जी केदारनाथ जाते हैं, राहुल गांधी जी के करेक्टर एसीएस नेशन बताइए आचार्य जी, तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठा था ना, उनकी टी शर्ट को लेकर बोला गया 40,000-41,000 की, वो पॉलिटिकल कमेंट, किसी ने ऐसी मंशा जाहिर कर दी, उनकी टी शर्ट को ऐसे टांग के नीचे से आग लगा दी, धुआं उठा दिया और कहा कि देखिए 150 दिन बाद ये, फिर कहे हम तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं होता ना सर, मैसेजिंग तो यही होती है। एक बार संगीत रागी, एक कमेंट आपका, उसके बाद मैं संबित आपके पास आऊंगा, राधिका मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक कमेंट संगीत रागी जी आपका, देखिए मैसेज वो नहीं है, इंटेंट वो नहीं है, गलत लिया जा रहा है। देखिए देखिए वो निकर में आग लगाएं, लाठी में आग लगाएं, एक बार संसद के अंदर पंडित नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इंगित करते हुए कहा था कि हम इस मानसिकता को कुचल देंगे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जवाब था, पंडित नेहरू हम इस कुचलने वाली मानसिकता को कुचल देंगे, और इतिहास साक्षी है 70 साल में कि संघ पर प्रतिबंध के बावजूद, तमाम दुष्चक्र के बावजूद, नेहरू के षड्यंत्रों के बावजूद, गांधी परिवार के षड्यंत्रों के बावजूद, संघ आज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। देखिए लगता है आपको या ये एफिगी जिससे बात की जाती है, मैं आपको मैं ये उकसाने वाली ही कार्रवाई है, और क्यों कार्रवाई है मैं बता रहा हूं। देखिए राहुल गांधी जब यहां से भाग करके रायबरेली से वाडियार गए, तो आप ध्यान दीजिए उन्होंने एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी चुना, क्यों चुना कभी आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी की ताक में ही है, आपको लग रहा है वो इसलिए ये मैसेजिंग है। आप देखिए ये केरला एक प्रकार से PFI का हॉटबेड होने है, सबको पता है वहां पर कौन मारा जाता है, और पादरी वाली मीटिंग भी जो मैसेजिंग थी और ये भी मैसेजिंग है, देखिए अपीजमेंट वाली, देखिए देखिए उनको हिंदू देवी देवताओं से बड़ा घृणा है, आप सोचिए वो कह रहे हैं। आज तो एक और बात बता देना चाहता हूँ, आज फिरोज गांधी जी का बर्थडे है, आपको शायद पता होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने दादाजी के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है, बड़ा वो दूसरे लोगों को ट्वीट करते रहते हैं, हर मिनट में वो ट्वीट करते हैं, लेकिन फिरोज गांधी के लिए कोई ट्वीट नहीं किया। एक बस छोटी सी बात कहता हूं, देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि मुसलमानों का वोट जो है वो किसी तरीके से हमारे पाले में आए। अच्छा। वो लड़ रहे हैं किसके खिलाफ, रेडिकल फोर्सेस कितना हमारे पाले में आकर के आ जाए, इसकी सारी जुगाड़ है, इसलिए उनको लगता है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जितना बोलेंगे राधिका, हमको ये है, लेकिन ये इसमें मात खाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी अपने आप को इस ट्वीट से अलग कर रहे हैं कि मैं इस तरह की राजनीति के साथ नहीं हूं, वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। कम से कम आप भी कह सकती हैं कि हाँ भाई अमन ये गलत ट्वीट है, ये इस तरह की ये राजनीति का स्तर नहीं होना चाहिए कि हम विरोधियों को जलाने वाली मानसिकता रखें। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी अपने आप को अलग कर रहे हैं। अमन जी इतिहास में जाने का बहुत शौक है भारतीय जनता पार्टी को, और अब भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने का भी शौक है। आज और कल दोनों की बात करते हैं 30 सेकंड में। आज के झूठ की बात करते हैं जो इनकी जो बार बार कहते हैं कि राहुल जी को हरा दिया। स्मृति ईरानी जी का एक भाषण, मैं उस पे जाऊंगा राधिका जी, पहले इस पे रह ले, इस टॉपिक पे रह ले। आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, देखिए अमन जी, आचार्य जी ने भी अपने आप को अलग किया उस ट्वीट से। जब से ये डिबेट शुरू हुई है अमन जी, मेरे को टोकने के अलावा आपने किसी को नहीं राज, मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे बोलने देंगी। मैं बोलिए राधिका, लेकिन टॉपिक पर रहिए, आचार्य जी ने अपने आप को अलग किया है, वो बहुत जरूरी है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए बोलिए राधिका, बोलिए बोलिए, बस मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। आचार्य जी ने अपने आप को अलग किया इस तरह के ट्वीट से, आप भी कर सकती हैं। बोल रहे थे, मुझे सच बताने दीजिए देश के आगे। अच्छा, ये देश को जानना बहुत जरूरी है, क्यों इस विचारधारा को जलाना और खत्म करना और नष्ट करना इस देश से जरूरी है, क्योंकि ये झूठ की विचारधारा है, वही विचारधारा है जिनकी नेता स्मृति ईरानी जी झूठ बोलती है और कहती है कि राहुल गांधी जी विवेकानंद जी के स्टैच्यू के वहां पे नहीं गए, उसका वीडियो भी सामने आ गया राहुल जी कैसे वहां पे गए थे। ये झूठ,
ये झूठ देश के सामने आना बहुत जरूरी है और झूठ को तो जला के नष्ट कर देना चाहिए। और ये निक्कर के ऊपर जितनी इतनी चर्चा हो रही है, आपको पता है ये निक्कर आई कहाँ से थी? आपको याद है कि आपने तो पढ़ा होगा इतिहास में, इनके पुराने आरएसएस के बड़े लीडर थे बी एस मुंजे जो मुसोलिनी से मिलने गए थे, खास वहां पे चर्चा हुई थी और वो बहुत प्रभावित थे और किस तरीके से वो फासिस्ट अपना देश चला रहे थे वो उनसे सीखना चाहते थे, किस तरीके से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे और उनकी यूनिफॉर्म से बहुत प्रभावित थे और वही प्रभाव वो यहाँ भी लेकर आए थे। तो क्यों उस फासिस्ट प्रभाव की यूनिफॉर्म ये रखना चाहते हैं? जला के नष्ट करिए मानसिकता को। आपने तो जब तिरंगा अपना लिया तो उसको भी नष्ट करिए, छोटा सा ब्रेक के बाद संबित आपसे शुरू करूंगा। इसलिए जलाने की बात हो रही है क्योंकि मुसोलिनी से प्रभावित हो रही है सारी चीजें। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद ब्रेक के बाद संबित आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक में कहा कि पूरे भारत में केरोसिन छिड़के बस एक माचिस की जरूरत है, आग लगेगी। चिंतन शिविर में कहा अभी ये लड़ाई शुरू हुई, आने वाले समय में आपको देखेगा कि आने वाले समय में आग लगेगी। किसान आंदोलन के समय में कहा गया आग लगेगी। अब ये आग लगती वाली तस्वीर जो है वो सामने जारी की गई है। संबित, ये भी कहा जाता है कि आग नहीं, दरअसल आग को लेकर आगाह करते हैं देश को कि ये हो सकता है, सचेत रहे। संबित, ये कोइंसिडेंस है इतने एक साथ चार चार? देखिए अमन जी, मुझे तो आज इस डिबेट के दौरान भी आश्चर्य हुआ। स्मृति ईरानी जी के विषय में जिक्र करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि झूठ को इसी प्रकार से आग में जला देना चाहिए। आप सोचिए, किसी महिला के लिए यह कहना कि उसको आग में जला देना चाहिए और झूठ को आग में, आप तो प्यार की राजनीति करने वाले लोग थे, किसी को आग में जलाने की बात कैसे की जा सकती है? दूसरी बात, जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, चिंतन शिविर में, किसान आंदोलन में, और आप एक और बात भूल गए हैं, अग्निवीर पे प्रोटेस्ट करते हुए भी राहुल गांधी ने कहा था देश में अब आग लगेगी। तो ये राहुल गांधी बार बार क्यों आग लगने की बात करते हैं? क्योंकि उनके डीएनए में है, पिता ने आग लगवाया, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और जिस प्रकार से पिता के उकसाने के पश्चात पूरे हिंदुस्तान में आगजनी हुई, 84 के दंगे हुए, 5,000 सिखों का कत्लेआम हुआ, ऐसे भी सिख बंधु थे, मुझे बताते हुए मेरी रूह कांप रही है कि उनके ऊपर ट्रक के टायर इत्यादि डाल करके उन्हें जिंदा जला दिया गया। सज्जन कुमार इत्यादि आज जेल के पीछे हैं। ये जगदीश टाइटलर इत्यादि लोगों ने उकसाया, कांग्रेस पार्टी ने लोगों के गले में गोधरा के ट्रेन में हिंदुओं को जलाकार सेवकों को जिंदा जलाया गया। मैं आपको पूरा फेरिस्ट देता हूं, 1967 रांची हटिया के जो दंगे हुए, 184 डेथ्स, 1969 गुजरात राइट्स, 512 डेथ, 1980 मुरादाबाद राइट्स, 400 डेथ, 1984 भिवंडी राइट्स, 278 डेथ। उनके बयानों को पढ़े तो इसमें है वो आग को लेकर आगाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में दिखेगा आग लगेगी, पूरे देश में केरोसिन छिड़का बस एक माची की जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी, अगर किसान कृषि कानून को समझ गए तो आग लगेगी। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के हालात आप लोगों ने पैदा कर दिए कि देश आग के मुहाने पर है और वो देश को आगाह कर रहे हैं। फिर मैं आचार्य प्रमोद और इसके बाद राधिका। हाँ बोलिए, संबित देखिए, छोटी टिप्पणी कर, हाँ कर, एक मिनट, चलिए संगीत, संगीत जी बोलना चाह रहे थे। देखिए अमन जी, संबित जी, हाँ संगीत जी, प्लीज संगीत जी, थोड़ी सेकंड राधिका, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। संबित जी, वो दरअसल वो आग लगाने वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि शायद मैं गलत यदि नहीं हूं तो संभवतः जो किसान आंदोलन के एक बड़े प्रमुख नेता है, जिनका नाम बड़ा, वो बड़े टेलीविजन के पसंदीदा नायक भी रहे हैं, वही राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो और या भारत नाम लीजिए ना, योगेंद्र यादव की बात कर रहे हैं आप। मैं आपके दर्शक जान जाएंगे, मैं इतना कह दिया काफी है, वो भी इस भारत तोड़ो यात्रा के हिस्सेदार हैं, वही उनका उनको गाइड कर रहे हैं। अच्छा ये क्या, अच्छा ठीक है संबित, आप जवाब पूरा कर लीजिए फिर मैं राधिका और आचार्य प्रमोद के पास जाऊंगा, जल्दी से संबित। देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कुछ बताने वाला हूं, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, मगर इस पर विचार करिए। ये राहुल गांधी हर डिस्कशन में, इंटरनेशनल डिस्कशन में, हर प्लेटफॉर्म पे, ये जो हिंदुस्तान में आगजनी होगी, इंतजार करिए आग लगने वाला है, आप देखिएगा हिंदुस्तान धू धू करके जलेगा, और आज उसका चित्रण भी करना, इसके पीछे का मकसद क्या है मैं बताता हूं। ये जो परिवार है, इस परिवार को लगता है कि हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठना इन्हीं के परिवार का अधिकार है। क्वीन विक्टोरिया, ये सब, ये जो राजा रानी होते हैं ना, ये अपने परिवार को उसी प्रकार का एक राजा रानी का परिवार मानते हैं कि हिंदुस्तान इनकी बपौती है, और अगर गलती से सत्ता साधारण लोगों के हाथों में चली गई है तो कोई भी षड्यंत्र करना पड़े,
आगजनी ही क्यों ना करने पड़े, लोगों का इस्तेमाल करके आग ही क्यों ना जलाना पड़े, आग जलाकर भी हम सत्ता में आएंगे, यही मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है। वरना आप बताइए 84 में आग लगाया था कि नहीं राहुल गांधी के पिताजी। आचार्य जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक कमेंट राधिका का। राधिका, ये क्या कोइंसिडेंस है, हर जगह चिंतन शिविर आग लगेगी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आग लगेगी, किसान आंदोलन आग लगेगी, अब आग, ये इतनी आग, राधिका? आग तो लगी नहीं है, आग तो लगी हुई है, महंगाई की आग क्या देश में नहीं लगी हुई? 7% महंगाई बढ़ गई है ना, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? खुदरा महंगाई कितनी हो गई है? 7.62% बनी है, आग तो लगी हुई है। बेरोजगारी की आग लगी हुई है, 2 करोड़ साल में रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ है रोजगार? जो थे वो भी छीन लिए, तो आग तो लगी हुई है ना। नफरत की आग तो लगी हुई है, इतनी नफरत की आग लगी हुई है कि मोदी जी जो कपड़े देखकर इंसाफ करते, क्योंकि वो कपड़ों से पहचानते हैं ना जी लोगों को, इसीलिए बिल्किस बानो जो बुरखा पहनती है उसके बलात्कारी, 3 साल की बेटी उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, इनके एमएलए संस्कार की दुहाई देते हैं, उनका माला पहनाते हैं और मिठाई खिलाते हैं और उनके पैर छूते हैं, तो आग तो लगी है ना नफरत की। नफरत की आग तब भी लग रही है जब इनके एमएलए तिरंगा लेके निकलते हैं जम्मू कश्मीर में, जब छोटी सी बच्ची का बलात्कार हो जाता है, तो नफरत की आग नहीं लगी है। कहा था धारा 370 हटेगी जम्मू कश्मीर से, कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, 110 दिन से ऊपर हो चुके कश्मीरी पंडित हाथ जोड़ के बैठे हुए घाटी में और कह रहे हमें सुरक्षा दे दीजिए, क्योंकि कभी हमारे टीचर मार दिए जाते हैं, कभी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर मार दिया जाता है, क्यों? कश्मीरी पंडित वापस जाने थे ना, आज कश्मीरी पंडित खुद कहते हैं कि वहां के हालात आज तक ऐसे नहीं हुए। आग तो लगी है ना, महंगाई की आग, नफरत की आग, महिला सुरक्षा की आग। कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को, क्या कहा था? महिलाओं का सम्मान करो। ये सम्मान हो रहा है जब गुजरात में उनकी सरकार ऐसे कातिलों को, बलात्कारियों को पूछ के छोड़ रही है? आग तो लगी है, और नफरत की आग, झूठ बोलने की आग। और मैं फिर बोल दूं, संबित पात्रा, जो मैंने कहा था कि स्मृति ईरानी जिस प्रकार का झूठ बोलती हो, इस देश में से तो झूठ को जला के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये गांधी जी का देश है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, ये नेहरू जी का देश है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का देश है, ये डरपोक सावरकर का देश नहीं है जो माफीनामे लिखते थे और कहते थे तिरंगा मत लहराओ, ये आरएसएस की हेट की राजनीति का देश नहीं है। आखिरकार आपको झुकना पड़ा ना और मानना पड़ा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कौन है और सबसे बड़े क्रांतिकारी, तभी आपने उनकी मूर्ति स्थापित करी। और यही सावरकर जो उस वक्त कहते थे देश के हिंदू युवाओं को आके कहते थे आओ, भारतीय युवाओं को आके कहते थे कि ज्वाइन करो ब्रिटिश की आर्मी, ब्रिटिश की नेवी, ब्रिटिश की एयरफोर्स, और किसके खिलाफ लड़ो? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ो। किसके साथ मिलके लड़ो? देश के अंग्रेजों के साथ मिलके लड़ो। आग आप लोग तब से लगा रहे हैं, ठीक है, आग कांग्रेस बुझाने का फिर एक बार काम करेगी। मैंने नहीं टोका, इसलिए आपने पूरा बोला 2 मिनट, अब मैं 2 मिनट बाद मेरा टोकना। संबित आप जवाब दे दीजिए कि बस मेरा सवाल ये था कि आप नफरत से लड़ना चाह रही हैं लेकिन आगजनी करके नफरत से कैसे लड़ेंगे, मतलब आग लगाकर भारत को कैसे जोड़ेंगे, बस वो कंसर्न है मेरा, बाकी आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह। लेकिन आप आगजनी के लिए उकसाएंगे और नफरत से जीत जाएंगे, नफरत से आग लगाकर कैसे लड़ेंगे, ये मेरे को समझना था। संबित आप बोल लीजिए, उसके बाद आचार्य जी आ रहा हूं, बस एक मिनट और आचार्य जी आ रहा हूं। संबित आप जवाब दे दीजिए। मुझे सिर्फ 2 विषय रखने हैं। पहले तो आज मैं न्यूज 18 के माध्यम से तमाम मराठियों को, महाराष्ट्र में बसने वाले तमाम लोगों से एक अपील करता हूं कि ये जो घृणा है कांग्रेस पार्टी की सावरकर को लेकर, इसका जवाब दीजिएगा। ये जो सावरकर को रोज रह रहे के गाली देते हैं ना कि सावरकर ऐसा, सावरकर वैसा, सावरकर ऐसा, मराठियों का शान है सावरकर, हिंदुस्तान का शान है सावरकर, और कसम है मराठियों आपको, अगर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार पानी पी पीकर सावरकर को कोसा है, अगर कांग्रेस को आपने लोकतांत्रिक तरीके से सबक नहीं सिखाया, तो ये कांग्रेस मराठियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेगी, खिलवाड़, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने झूठ बोला है उनको जला करके समाप्त कर देना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। के लिए कहा कि जला के झूठ को समाप्त करना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। को समाप्त, झूठ मत बोलो। ये पहले तो इनको रोकिए जरा, ये इसको चिल्लाने से आप रोकिए जरा, ये शांति से, ये तो प्यार की राजनीति करने आए थे, ये क्या चिल्ला रहे हैं? आप अपनी टर्न पर बोलिएगा, अपनी टर्न पर करेक्ट, शांति, प्यार, 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 शांति, शांति और प्यार से राजनीति करिए, नफरत की राजनीति को छोड़ दीजिए, नफरत की राजनीति छोड़ दीजिए बहना, प्यार की राजनीति। अमन जी, चलो अमन भाई जरा इनको शांत तो करिए, मेरे शब्दों आप अपना बयान अपनी टाइम पर बताइएगा। उन्होंने झूठ को आग लगाने की बात करी, बिल्डिंग में आग लग गई है दादा, झूठ को आग लगा दो, झूठ को आग लगा दो, समझ नहीं सकते।
आपकी टर्न पर बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, वो अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे। आपने भी तो 10 बातें बोली ना, वो चुपचाप बैठे रहना। आपने भी तो 10 बातें बोली, वो चुपचाप बैठे रहना। प्लीज आप अपनी बात पर बताइएगा, अपनी टर्न पर टाइम दे सुने। प्लीज बस संबित 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 प्लीज झूठी संबित पात्र नहीं हूं। चलिए हाँ ठीक है ठीक है। देखिए ये इस प्रकार से चिल्लाना संबित संबित शांति से नफरत चलिए छोड़ दीजिए जरा। यही तो हम बोल रहे हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बेचारे संघर्ष राहुल गांधी बिना है इनको लीडरशिप में ऐसे चिल्लाते रहेंगे। संबित ये जरा ये शांत तो हो जाए। एक एक करके प्लीज। अमन भाई इन्होंने कहा, अमन भाई इन्होंने कहा झूठ को जला देना है। हाँ ये कहा था, झूठ को जला देना। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे, सुनिए ना। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हम गरीबी हटा देंगे। उसके बाद आ गई इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा हम गरीबी समाप्त कर देंगे, गरीबी हटाओ। उसके बाद आ गए उनके प्रिंस चार्ल्स, क्या नाम है, राजीव गांधी, हम गरीबी हटा देंगे, हम झूठ को समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद आ गई सोनिया जी, वो बोली हम गरीबी हटाएंगे। फिर राहुल गांधी आके बोल रहे हैं कि झूठ को जला देंगे। क्या क्या जलाएंगे, ये क्या क्या जलाएंगे? पूरे हिंदुस्तान को अपनी बपौती समझने वाली ये एक परिवार झूठ के सहारे पर, फाउंडेशन पर, इस हिंदुस्तान पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के सहारे राज करती रही, ये किसी और को क्या जलाएगी? आज जनता ने लोकतांत्रिक रूप से इस पार्टी को समाप्त किया है और यही कारण है इनकी बौखलाहट का। ये प्यार की राजनीति की बात करते हैं, किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं आप देखिए। और मैं आपको बता दूं, प्रवक्ता 100 टन का पत्थर रख के भी राहुल गांधी को डिफेंड करने की 100 कोशिश कर ले, 100 कोशिश कर ले, और बेचारे हमारे प्यारे आचार्य जी कमंडल में कितना भी पूरा समुन्दर भर के ला के समुन्दर का पानी भी राहुल गांधी के ऊपर डाल करके उन्हें आशीर्वाद दे, फिर भी राहुल गांधी लॉन्च नहीं होने वाला है। अच्छा, रॉकेट में फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है रॉकेट में, कैसे लॉन्च होगा ये? और इसी कारण से ये घृणा की राजनीति को फैला रहे हैं। आचार्य जी अभी आपने बोला ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही पतित पावनी एकदम पावन यात्रा है। दो आपको मेरे भी एक सवाल मैं आ रहा हूं, एक मिनट रागी जी, पहले मैं एक बार आचार्य जी का कमेंट ले लूं। आचार्य जी लेकिन फिर सवाल उठते हैं कि ऐसे ऐसे पादरी जो हिंदू विरोधी पादरी, जिसने भारत माता का मजाक उड़ाया, भद्दा मजाक मैं बोल भी नहीं सकता, हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया, ऐसे पादरी से फिर मुलाकात करते हैं, फिर वो वहां पर फिर और हिंदू धर्म को नीचा दिखाते हैं। ये देखिए वो तस्वीरें देखिए आमन चोपड़ा जी, संबित पात्रा जी आज बड़े दार्शनिक अंदाज में बोल रहे हैं, ये नया अवतार है उनका, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और भगवान उन्हें इसी दार्शनिक अंदाज में उनको रखे, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात यह, लेकिन दार्शनिक होने के पश्चात भी उन्होंने देवी राधिका के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। उन्होंने ये नहीं कहा था जो झूठ बोले उसको जला दो, उन्होंने कहा था झूठ को जला के फेंक देना चाहिए। एनीवे, अब आपका सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, जो पादरी साहब हैं उनसे मुलाकात का, पादरी साहब के बयान पर जो सवाल है, जो कन्वर्सेशन हुआ है उस पर सवाल है। मैं आपको मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जो ईसाइयत है, जो क्रिश्चियनिटी है, उसमें तो जीसस क्राइस्ट ने उनको भी माफ़ कर दिया था, उनसे भी प्रेम की बात की थी जिन्होंने उन्हें सूली पे चढ़ाया। जीसस क्राइस्ट तो क्षमा दया करुणा की बात करते हैं, और जीसस क्राइस्ट को मानने वाला पादरी अगर दूसरे धर्मों के खिलाफ, दूसरे धर्मों की आस्था जहाँ देवी देवताओं में, उनके खिलाफ अगर बोलता है तो मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूँ। क्या राहुल गांधी को उस वक्त टोकना चाहिए था? मैं मांग करता हूँ अमन चोपड़ा जी आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह के वाहियात बयानबाजी करने वाले और जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बयान उन पादरी साहब का है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने राहुल गांधी जी की मीटिंग इस पादरी के साथ फिक्स कराई, इस तरह के बेहुदे आदमी के साथ फिक्स कराई, वो उन नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस के ऐसे बहुत से नेता हैं जो राहुल गांधी जी के साथ रहते हैं, राहुल गांधी जी को सलाह भी देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बहुत ही निर्मल हृदय व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जी बहुत ही
उदार नेता हैं। राहुल गांधी जी के मन में जो भाव है उसको लेकर के राहुल गांधी अपनी यात्रा पे निकले हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की सारी मेहनत पे पानी फेरने का काम राहुल गांधी जी के जो साथ कुछ लोग हैं, जो ना भारत को समझते हैं ना भारत की संस्कृति को समझते हैं। मुझे पूरा करने दीजिएगा सर, एक सवाल ले रहा हूँ, आप ही बोलिएगा। वो इतने निर्मल और नादान, उनको पता नहीं वो किससे मिल रहे हैं। ऐसे आदमी जी जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि हिंदू धर्म का ऐसा मजाक उड़ाने वाले को माफ नहीं किया जा सकता, ऐसा आदमी जिसने भारत माता को लेकर टिप्पणी की हम चप्पल इसलिए पहनते हैं ताकि वो संक्रमण हम पर ना आए, मुझे बोलना पड़ा वो बयान, ऐसा आदमी जिसने हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया, आपको लगता है राहुल गांधी को पता नहीं होगा वो किससे मिल रहे हैं, या ये जानबूझकर मिले वो मैसेज देने के लिए, या आपको लगता है उनको नहीं पता था कि ये पादरी कौन है? अमन जी जितने निर्मल, देखिए राहुल गांधी जी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं रखते हैं। राहुल गांधी जी का वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जगजाहिर है, बीजेपी से जगजाहिर है, आरएसएस से जगजाहिर है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने साफ कहा कि मैं मोदी जी के गले लगना चाहता हूँ और मोदी जी के भी गले लगे। राहुल गांधी जी के भाव पर सवालिया निशान नहीं लगाया जाना चाहिए, काम की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर, हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है और वो राहुल गांधी जी को गलत सलाह देते हैं। उसी का कारण है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो परिणाम अच्छे आने चाहिए थे वो नहीं आए। उसी का कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज कहां से कहां पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने की सुपारी कुछ नेताओं ने ले रखी है जो राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इसमें राहुल गांधी जी का कोई दोष नहीं है। बस सर, एक मिनट, सवाल मेरा जवाब का दे, एक मिनट, क्या वाकई आपको लगता है राहुल गांधी को नहीं पता होगा कि वो किससे मिल रहे हैं? बस ये बता दीजिए, किस आदमी से मिल रहे हैं वो, किस पादरी से मिल रहे हैं, उन्हें नहीं पता होगा? देखिए राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं, हजारों की संख्या में लोग उनके साथ चल रहे हैं, पूरे देश की यात्रा का विजन लेके चल रहे हैं, अपने पावन मन से वो यात्रा कर रहे हैं। अब ये उनके दफ्तर का और कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी जी की शादी से मिले उसका भाई बेटा राहुल जी के सामने रखा जाए। अगर गलत आदमी से राहुल गांधी जी की मीटिंग फिक्स में नहीं पता था वो किस पादरी से मिल रहे हैं, उनको पता नहीं था, ठीक है ना? आप हो गए, आप रागी जी आप बोलिए, फिर संबित और अधिकार हूं, बोलिए रागी जी। देखिए दो टिप्पणी मैं करना चाहता हूं। पहली बात कि ये ध्यान रखिए, ये कांग्रेस पार्टी आज के दिन में इंडियन नेशनल कांग्रेस से ज्यादा इटालियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बन गई है। स्वाभाविक है कि जो क्रिश्चियनिटी है, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है, इसको गाइड कहीं ना कहीं कर रहा है और बहुत ताकत दे रहा है। आपको याद है कि 2019 के चुनाव में आर्क बिशप ने, जो सीधे वेटिकन से अपॉइंट होता है भारत के अंदर, उसने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दो और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए रहा है। दूसरी बात, मुझे एक चीज बड़ा आज मजा आ रहा है, मुझे लगता है कि प्रमोद कृष्णन जी भी उतने ही भोले और नादान बच्चे की तरह बात करते हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी नादानी और भोलेपन से पादरी से मिलने गए। अरे 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 प्रमोद जी, वो केरला में है, वो क्रिश्चियनों के वोट को और रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों की वोट के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वही वो कर रहे हैं। और उनके सामने वो कह रहे हैं कि ईसाई असली भगवान निराकार शक्ति जैसा। देखिएगा उत्तर प्रदेश आएंगे तो वो जनेऊ भी ओढ़ लेंगे। नहीं नहीं सर, मेरे को बस ये था कि अगर चलिए उनको नहीं भी पता, लेकिन अगर उनके सामने मजाक उड़ाया जा रहा है, अच्छा तब भी उन्होंने टोका नहीं, वो टोक सकते थे कि नहीं भाई ऐसा मत बोलिए प्रमोद जी, प्लान्ड था सब कुछ। अच्छा जल्दी समित के पास जाने जल्दी। प्रमोद जी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा काम शायद प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं करती, आपकी राय में मैं जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, वो तो वैसे कह रहे हैं कि प्रियंका को लीड करना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को अध्यक्ष बना दीजिए, वो तो कह ही रहे हैं। मैं जानता हूँ, एक मिनट, मैं पहले समित का कमेंट ले लूं, उसके बाद आचार्य जी। अमन जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, अच्छा ले लीजिए 10 सेकंड और ले लीजिए समित, ले लीजिए 10 सेकंड संगीत जी। हाँ, क्योंकि संगीत रागी जी ने मुझे 4-5 बार मेरी तरफ इशारा किया, उंगली उठाई, हंसे भी, मुस्कुराए भी, व्यंग भी किया, सब कुछ किया मेरी तरफ देख करके, तो संगीत रागी जी के सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। संगीत रागी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो राहुल गांधी जी के पवित्र कार्य को भी आप गलत ढंग से ले रहे हैं, तो ये तो आपकी भावना और आपके ऊपर निर्भर करता है। जहाँ तक सवाल है कि आपने कहा प्रियंका जी की बात है, तो
प्रत्येक व्यक्ति अलग 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 सोच, अलग अलग विचार रखता है, अलग अलग उसके काम करने का तरीका होता है। लेकिन आप ये बात अगर ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हिंसा के समर्थक हैं, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी जी कुटिल हैं, कृपण कुटिल हैं और श्रूड हैं और या कनिंग हैं, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी निर्मल हृदय व्यक्ति हैं और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राहुल गांधी जी को जो लोग सलाह देते हैं, आचार्य जी इतने भोले नहीं है भैया, मैं संबित के पास जा रहा हूँ, किसी को नहीं भरोसा होगा आचार्य जी। ये तो आज कमाल हो गया, राहुल गांधी के तुलसीदास जी ने कहा है, ये तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा। और देखिए आज यहाँ बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, आज आचार्य जी कोई छोटे नेता नहीं है, आचार्य वर भी हैं और कांग्रेस के भी आचार्य हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो है सुपारी लेने वाले लोग हैं, जो जिन्होंने राहुल गांधी से ये सब करवाया है। तो आप बताइए इन्फिल्ट्रेशन, मतलब राहुल गांधी के दुर्ग में इन्फिल्ट्रेशन हो गया है और ये चले हैं लड़ने के लिए हमसे। अरे पहले तो इनको निकालो जो सुपारी लेके बैठे हैं, बाद में हमारी चर्चा करना, नंबर एक। नंबर दो, ये तो कैसे हो, देखिए पादरी जी ने बोला कि शक्ति तो ऐसी है, शक्ति तो कोई भगवान नहीं है, उस समय तो किसी ने जीव नहीं पकड़ा हुआ था राहुल गांधी का। अरे अगर अमन भाई आप होते, अगर राठी जी होते, मैं होता, और मुझे तो लगता है कि शायद अगर राधिका जी भी होती, शायद मगर, और आचार्य जी तो जरूर अगर वहां होते तो तुरंत उठ खड़े होते और बोलते नहीं नहीं आप ऐसा अपमान नहीं कर सकते हैं, भगवती माँ का ऐसा अपमान नहीं कर सकते हैं, शक्ति के ऐसे अपमान नहीं कर सकते। मुझे लगता है शायद राधिका भी इसका अपोज करती। अब मुझे पता नहीं राधिका शक्ति में मानती है या नहीं मानती है, ये मुझे नहीं पता, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, वो किसी को भी माने मैं सम्मान करता हूं, मगर मुझे लगता है कि राघी भाई तो खड़े हो जाते कि नहीं भैया मैं तो नहीं सुनूंगा शक्ति के विरोध में ऐसा, और अमन भाई आप तो 100% खड़े होते और कहते हिंदुस्तान में आप भगवती दुर्गा माँ के खिलाफ ऐसे कहोगे, और आचार्य जी तो बिल्कुल क्रोधित हो जाते और श्रापित भी कर सकते थे। मगर आप पूछिए राधिका जी से, वो अपोज करती क्या? राहुल गांधी ने अपोज ही नहीं किया, क्यों नहीं अपोज किया? क्या वो सुपारी लेने वाले लोगों ने राहुल गांधी जी के चेहरे पर अपना हाथ रखा था, मुंह बंद कर दिया था कि नहीं अपोज करना है? पूछिए राधिका जी अपोज करती कि नहीं करती, आप राधिका जी से पूछिए पहले। राधिका जी आप ही बोल लीजिए, सवाल नहीं। ये जो पादरी से मुलाकात, टोकना चाहिए था उनको कि ये सब मत बोलिए भाई, चलिए उनको पता नहीं था वो किससे मिल रहे हैं, टोकना चाहिए था राधिका जी? यहाँ पे हेट के बारे में बात, माता जी के बारे में बात करती, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की माता है, इस देश की बड़ी लीडर है, और सोनिया गांधी जी वही महिला है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंडिया शाइनिंग को खत्म कर दिया था। ये बात करते हैं ना कांग्रेस नष्ट कर दी आप लोगों ने। अरे चुप रहो संबित पात्रा और सुनो जवाब दे रही हूँ, तुम जो डिसाइड करोगे वो जवाब नहीं दूंगी, सुनो। क्या चुप रहो, चुप रहो, ये बदतमीजी करने आई है आप क्या? राहुल गांधी के धर्म पे सवाल उठा रहा हूँ, जो भगवती माँ का सम्मान नहीं कर सकता है, मैं उसके धर्म पे सवाल उठाऊंगा, हजारों बार उठाऊंगा। तुम उसे बोलो चुप रह के बैठने के लिए, जो भगवती माँ के लिए सम्मान नहीं कर सकता, यहाँ के बदतमीजी करना बंद करो। सारे इनके प्रवक्ता ऐसे ही बदतमीज है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ऐसे डूब रही है। चलो झूठे सुप्रिया सिलेट भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, सारे यहाँ पर बदतमीज प्रवक्ता भर रखे कांग्रेस पार्टी। ठीक कहा था इनको गुलाम नबी आजाद ने, अपनी बात रखू, ठीक कहा था गुलाम नबी आजाद ने, इन्हीं कांग्रेस इन्हीं प्रवक्ताओं ने डुबाया है। और ये ठीक कह रहे हैं कि सुपारी इसने भी लिया हुआ है, देखिए यही तो राहुल गांधी का सुपारी इसने भी लिया है, ठीक बोल रहे हैं आचार्य, ये सब सुपारी लेके बैठे हैं राहुल गांधी को खत्म करने। राधिका राधिका ऐसे पादरी से मिलना चाहिए था क्या आपके नेता को? बोलो बोलो, क्या ऐसे पादरी से मिलना चाहिए था राहुल गांधी करने के लिए? बोलो बोलो, हाँ क्या ऐसे पादरी से मिलना चाहिए था राहुल गांधी को? देखिए देखिए अमन जी, देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं ना, क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कांग्रेस की विधवा, जब देश के प्रधानमंत्री जर्जी काउ कहते हैं सोनिया गांधी जी को, इससे ज्यादा नफरत क्या हो सकती है किसी महिलाओं को टंच माल कर एक इंसान जो देश के इन लोगों के हिसाब से तो वो विश्व गुरु है,
यही बातें बोली है ना उन्होंने, और कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी तो रेनकोट पहन के नाते हैं, और जिस इंसान की माता जी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसे शब्द बोले थे, राहुल भाई मैंने राधिका जी जिन्होंने जाके फिर भी उस नफरत भरे शब्द बोलने वाले व्यक्ति को गले लगाया, राधिका जो पादरी जॉर्ज ने कहा क्या क्या राहुल जी को टोकना चाहिए था, आपने पूरा बोला राहुल जी, माता जी को ऐसे शब्द कोई बोलेगा आप उनको गले लगाएंगे, वो अलग विषय है ना, कैसी बातें कर रहे हैं राधिका जी, मैं आपसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, पादरी जॉर्ज से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात क्या होनी चाहिए थी नंबर एक, और जो पादरी जॉर्ज ने राहुल गांधी के सामने कहा क्या उनको टोकना चाहिए था, ये दो सवाल है। आचार्य जी कह रहे हैं गलत बोला, आप भी कह दीजिए गलत बोला, गलत बोला पादरी जॉर्ज ने। देखिए सिंपल बात मैं आपको बहुत साफ शब्दों में जी प्लीज प्लीज, कोई भी भगवान के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, सब अपने अपने धर्म के बारे में जानते हैं, अगर कोई अपने धर्म के बारे में कुछ बता रहा है वो उनका धर्म है, हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं, सेक्युलर इंडिया, अगर आपके सामने कोई ऐसा बोलता है एक समुदाय एक विशेष व्यक्ति का ये देश है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और आरएसएस का देश नहीं है, ये वो देश है जिसके लिए हमारे भारत देश माता का तो देश है ना भाई, तो भारत माता का अपमान करेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक छाते के नीचे रहते हैं और कांग्रेस पार्टी एक धागे में उनको पिरोने का काम कर रही है। राधिका जी बस इतना पूछ रहे थे, आप होती तो टोकती, मुझे पता है आप टोकती, आप होती तो टोकती ना, कोई आपके सामने इस तरह का मजाक उड़ाए आप टोकती ना, तो राहुल जी को टोकना चाहिए था ना, आपको नहीं टोकना चाहिए था जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जब मेरे सामने थोड़ी ना बोला था, मेरे सामने कोई ऐसा पादरी बोलेगा चुप करा दूंगा उसे मैं, अरे मेरे सामने कोई बोलेगा ईसाई असली भगवान कोई निराकार शक्ति नहीं मजाक उड़ाए मैं टोक दूंगा भाई उसको, कि क्या कह रहे हो जब अधिकार मेरे सामने थोड़ी, महिलाओं का सम्मान करो और बिल्कुल बानों के बलात्कारियों को छोड़ देते हो, हिम्मत है मोदी जी से अभी कहो, बताओ नेशनल टेलीविजन में मोदी जी से कहो, पहले आप बोलिए ना राहुल जी को टोकना चाहिए था, आचार्य जी ने भी बोल दिया गलत बयान है भाई, आप बोलिए ना राहुल जी को टोकना चाहिए था, अमित पात्रा भिजवाओ ना जेल वापस उनको, संस्कारों की दुहाई दी थी ना उन लोगों की आप लोगों ने, करवाओ जेल, क्या राहुल जी को टोकना चाहिए था आचार्य प्रमोद, क्या राहुल गांधी को टोकना चाहिए था आचार्य प्रमोद, क्या राहुल गांधी को टोकना चाहिए था उनके मुंह पर आचार्य प्रमोद, आप तो कम से कम जवाब देंगे मेरे सवाल का। देखिए कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं वो जो बात कर रही हैं राधिका जी, एक तो आप उनकी भावनाओं को समझने से पहले ही उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं, उनके वक्तव्य को पूरा नहीं होने देते हैं, राधिका जी का सम्मान करना चाहिए, राधिका जी बहुत ही पवित्र भाव से बात जवाब देना चाहती हैं, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते अमन जी, मुझे शिकायत है आपसे। दूसरी बात आपने कहा कि साहब वो पादरी ने जो बात कही उसका, मैंने तो कहा कि पादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्या राहुल जी को टोकना चाहिए था आचार्य जी, जो पादरी जिस तरह की भाषा का नहीं, मैंने साफ कर दिया है कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है पादरी के बयान से, पादरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ राहुल जी के व्यवहार से, जहाँ तक सवाल राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी को थोड़ी पता था कि ये क्या कहने जा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने उनके बयान का समर्थन नहीं किया की तरफ से कहा गया था, इट वाज अ इंटरफेट डायलॉग, आप कुछ और कह रहे हैं, पवन खेड़ा की तरफ से क्या तुलना भगवान बुद्ध गौतम बुद्धा और पता नहीं कौन से तुलना की गई थी, उन्होंने कहा था बिल्कुल सही इंटरफेथ डायलॉग है ये, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, संबित पात्रा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, संगीत रागी और राधिका खेड़ा आपका, सौ बात की एक बात किशोर के साथ।